हेलो स्टूडेंट्स सो लेट्सटार्ट विद द आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ आवर चैप्टर नंबर वन एग्जाम्पल वन पॉइंट थर्टीन रेडी पे अटेंशन है ना मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई मतलब कि एक ऐटम होता है तो एटम में क्या होता है मान लो ये पूरा एटम है ठीक है अब एटम के अंदर क्या होता है सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस सो ये है हमारा न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस में बेसिकली क्या चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज कितना होता है तो वो चार्ज होता है प्लस जेड इंटू ई आपको Z ऐसे नहीं लिखना है आपको Z नॉर्मली लिखना है ये मेरी हैबिट हो गई इसलिए मेरा ऐसा ही जेड आएगा नाउ जेड ई इज वॉट प्लस जेड ई इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एटम में पॉजिटिव चार्ज कहां होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है विच इज द प्रोटोन और वो टोटल चार्ज कितना होता है प्लस जेड ई वेर जेड इज इक्वल टू एटोमिक नंबर राइट चलो एंड ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है अब आगे क्या कहता है इट इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस कैपिटल आर मतलब ये जो पूरा एटम है ना पूरे ऐटम का रेडियस है हमारा कैपिटल आर और बाकी के पोर्शन में पूरा क्या है नेगेटिव चार्ज ओके द एटम एज होल इज अ न्यूट्रल मतलब क्वेश्चन में अब ये कह रहा है कि पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल है <coughs> तो कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होता है जब उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही अगर नेगेटिव होगा तो वो कैसा हो जाएगा न्यूट्रल ठीक है तो मतलब इसमें अभी टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है जेड ई तो ये बाकी का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा माइनस जेड ई दिस इज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम रेडी चलो तो ये पूरे एटम के अंदर कितना चार्ज है प्लस जेडी और माइनस जेडी सो टोटल चार्ज ऑफ एटम कितना हो जाएगा जीरो एटम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जीरो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है कितना प्लस जेडी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है कितना माइनस जेडी तो एटम का टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो मतलब एटम हमारा न्यूट्रल है ओके <coughs> ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस न्यूक्स डायग्राम में तुमको आर आर डिस्टेंस डिस्टेंस स्मॉल एक यहां है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक यह फील्ड कितना है वो फाइंड करना है और सेकेंड हमें फाइंड करना है बाहर राइटी मतलब दोनों जगह पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड करना है ठीक है ओके so let's find let's find electric field at a point which is inside the atom means right now we are talking about this point r is less than आर, रेडी चलो तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा यहां पे गौशियन सरफेस ड्रॉ करूंगा ये होगी मेरी गौशियन सरफेस, रेडी नाउ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय गौशियन सरफेस चलो गौशियन सरफेस ने टोटल कितना चार्ज एंक्लोज किया है तो मान लो कि वो चार्ज है हमारा क्यू रेडी अब देखो सी द डायग्राम केयरफुल ये जो गौशियन सरफेस है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज तो है ही प्लस जेड ई तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस जेड ई बट थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी है अब वो नेगेटिव चार्ज कितना है कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ उसको चलो कंसीडर करो कि ये सेंटर पार्ट बहुत छोटा है एंड राइट नाउ फॉर मोमेंट वी आर इग्नोरिंग दिस सेंटर पार्ट है ना ऑलवेज न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है सो लेट अस इग्नोर दिस पोर्शन ठीक है सो तो बच्चे का क्या सिर्फ नेगेटिव चार्ज तो मान लो कि पूरा जो एटम है आर रेडियस का कैपिटल आर रेडियस का सो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब मतलब टोटल एटम में हमारा नेगेटिव चार्ज कितना है टोटल तो टोटल नेगेटिव चार्ज था हमारा माइनस जेड ई तो पूरे एटम का नेगेटिव चार्ज है माइनस जेड ई तो हमारा ये जो हमने गौशियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका वॉल्यूम तो फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब उसके अंदर चार्ज कितना होगा Ready? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो फोर बाय थ्री आर क्यूब डिवाइड बाय बाय थ्री पाए कैंसिल सो हम हम हमें जो चार्ज फाइंड करना था क्यू वो कितना आया आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू माइनस में आया पूरे एटम में इतना चार्ज है तो हमारा जो गौशियन सरफेस है ये वाला उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है तो गौशियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है इतना सो राइट नाउ व्हाट वी कैन से हमारे गौशियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जेड ई तो था बट एक ये नेगेटिव चार्ज भी आ गया माइनस जितना तो वो कितना हो जाएगा माइनस ये वैल्यू डाल देते हैं आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू जेड ई तो ये हो गया टोटल चार्ज एनक्लोज बाय अवर गौशियन सरफेस तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर रेडी चलो सो ई इज इक्वल टू के के जगह लिखो वन अपॉन फोर पाएसुलीरो और ये आर स्क्वेयर में ये वाला लिख दे यहां पे अब बचा क्या क्यू हमारा चार्ज जेड ई माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू जेड ई बटी सो वॉट आई एम डूइंग मैं ऊपर से जेड ई e को कॉमन निकालता हूँ आर स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ सो जेड ई हमारा कॉमन निकल गया फोर पा एप्सुल जीरो और ये आर स्क्वायर को मैं अंदर डाल देता हूँ सो वन बाय आर स्क्वाय आर क्यूब बाय आर क्यूब आर स्क्वायर आर स्क्वायर मैंने दोनों में मल्टीप्लाई किया सो so, अब क्या होगा अब होगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू जेड ई बाय फोर एप्सिलॉन जीरो वन बाय आर स्क्वायर माइनस अब यहां पे क्यूब और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा क्या आर अपॉन आर क्यूब रेडी चलो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज लाइंग इन साइड अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है दूसरा हमें राइट नाउ लोकेटेड एट आउट साइड वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर गोशियन सर्फिस ड्रॉ करेंगे बाहर ठीक है नाव टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस गोशियन सर्फेस नाव वी आर कैलकुलेटिंग सेकेंड फॉर आर इज ग्रेटर देन आर रेडी राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर आर इज ग्रेटर देन आर सो यहां पर भी लिखेंगे टोटल चार्ज यहां पर लिख देना ऐसा पूरा सेंटेंस टोटल चार्ज एनक्लोज बाय गोशियन सरफेस चलो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है ज़ीरो क्यों क्योंकि पूरे एटम में प्लस जैड ही है और उतना का ही उतना माइनस जेड ही तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा ज़ीरो और टोटल चार्ज ज़ीरो है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा ज़ीरो बिकॉज रीज़न यहाँ पे लिख देंगे E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर बट टोटल चार्ज ही ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा ज़ीरो सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ आवर न्यूमेरिकल अब देखो आपको इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा देखो ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी लाइव इंटरेक्शन इज अ डिफरेंट मैटर एंड ऑनलाइन लेक्चर्स आर डिफरेंट मैटर है ना तो ऐसा नहीं है कि हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई नहीं होगा जाओ नहीं पढ़ेंगे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है नेवर हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी रेडी फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग कि आपको क्या करना है कि आपको मेन प्रॉब्लम है मटेरियल का ठीक है uh, अब देखो एक्चुअली <coughs> अगर मटेरियल आप खुद सेल्फ बनाते हो ना सो दैट विल बी बेटर फॉर यू मान लो आपसे मटेरियल नहीं बन रहा ठीक है सो डू वन थिंग एक कुमार की बुक आती है ठीक है दर्पण इट इज़ अ काइंड ऑफ रेफरेंस बुक फॉर द थियोरी पोर्शन स्पेशली डिजाइन फॉर गुजरात बोर्ड राइट तो वो दर्पण आती है वो दर्पण ले लो उसमें अच्छे से दिया हुआ है और अगर आपके पास दर्पण नहीं है सो ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज करो सर वी डोंट हैव दर्पण ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से आपको उसके पिक्स भेज के क्लिक uh, करके आपको उसकी स्कैन कॉपी करके भेज दूँगा बेटर इज़ दैट देखो मटेरियल आपसे बन रहा है तो बनाओ नहीं बन रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है ना हम उसी के लिए बैठे कि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े तो कोई भी आपके पास स्टेशनरी होगी ना घर के पास वहाँ पे आपको दर्पण तो मिल जाएगी मैं आपको फ्रंट उसका भेज देता हूँ कि कैसी होगी वो बुक आप परचेज कर लेना अगर मान लो कि आप परचेज नहीं कर पा रहे हो सम हाउ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है या एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है सो so, आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको उसके फोटोज क्लिक करके पी करके उसको भेज दूंगा बट आपके पास हार्ड कॉपी होगी ना तो पढ़ने में मजा आएगा दूसरा प्लस पॉइंट क्या है दर्पण का उसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स पूरा थियोरी पोर्शन एक्स्ट्रा एमसीक्यू, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सब कुछ दिया हुआ है है ना बॉक बुक जो है तो वो थोड़ी कॉस्टली होगी फोर हंड्रेड समथिंग रुपीस की आती होगी आई आई एम डोंट रिमेम्बर इन द एग्जैक्ट प्राइस बट दैट बुक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू है ना uh, तो उसको परचेज़ कर लो क्योंकि अगर मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए सो so, वो बेस्ट मटेरियल है uh, ये थियोरी पोर्शन को पढ़ने के लिए ठीक है सो so, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स और सब कुछ हो जाएगा और इलेवंथ में आपने यूज़ की होगी कुमार नहीं यूज़ की होगी तो अभी ले लो और मैसेज कर देना अगर बुक नहीं हो तो ठीक है मैं वो तो आपको पी भेज दूंगा सो नाओ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज सो यहाँ पे हम ऑनलाइन लेक्चर्स है फिर भी मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपके सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हम कंप्लीट करें रेडी सो दिस इज अवर प्राइम एंड फर्स्ट टारगेट कि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि ऑनलाइन में हमको जैसा तैसा कुछ भी पढ़ा दिया देखो हमने सारी थियोरीज पढ़ाई है सारे इलिस्ट्रेशन करवाए हैं और मैं, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि पूरी की पूरी एन सी आर करवाऊँ है ना दर्पण में तो उसका सॉल्यूशन होगा इन एडिशन भी मैं आपको अगर परचेस कर लेते हो तो ठीक है अदरवाइज तो मैं फोटोज क्लिक करके भेजने ही वाला हूँ है ना तो अच्छे से पढ़ लेना हम एक्सरसाइज भी पूरी करवाएंगे रेडी ओके सो एंड नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका जो डाउट है आप मैसेज uh, में टाइप करके एक्सप्लेन नहीं कर पाते बिकॉज डिजिटली हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो चीज़ फिजिकली होती है वो फिजिकली होती है है ना सो वॉट कैन यू डू कि व्हाट्सएप uh, में वो मैसेज रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है वॉइस कॉल का वॉइस रिकॉर्डिंग का आप वो भी कर सकते हो एंड इन केस अगर आपको ऐसा कि मुझसे बात करनी है कॉल करना है तो एवरी डे रात को नौ बजे के बाद रात को नौ से ग्यारह के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं बिकॉज टाइम मैंने थोड़ा ऑकवर्ड दिया है आई नो बट रियली मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है इवन कभी कभी तो खाना खाने में भी दिक्कत हो जाती है मैं शेड्यूल इज़ रियली रियली वेरी टाइट सो नौ से ग्यारह का जो टाइम है ना उसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हो आपका जो डाउट है वो डाउट मुझे पूछ सकते हो फिजिकल मतलब लाइव टू लाइव मैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें ये होता है वो होता है ऐसे हो सकता है ठीक है सो आप व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हो जो भी आपने न्यूमेरिकल लिखा है उसमें जो डाउट है उसको सर्कल बनाओ सर्कल बना के उसमें फोटो क्लिक करके मुझे भेजो कि सर इसमें डाउट है प्लस uh, आप वॉइस uh, मैसेज भी कर सकते हो अगर उससे भी नहीं लग रहा तो आप कॉल भी कर सकते हो रात को नौ से ग्यारह के बीच में ठीक है चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर वन वॉट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जिस टू इंटू टेन टू माइनस सेवन कुलम एंड थ्री इंटू टेन टू माइनस सेवन कुलम प्लेस्ड थर्टी सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर मतलब आपके पास दो चार्ज फीयर है ठीक है इसका चार्ज क्यू वन है टू इंटू टेन एस टू माइनस सेवन कुलम और इसका चार्ज है क्यू टू इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन एस टू माइनस सेवन कुलम दे आर प्लेस थर्टी सेंटीमीटर अपार्ट एंड दे आर इन द एयर मीडियम कौन सा है एयर सो वॉट विल बी द आंसर वी रिक्वा टू फाइंड दू फोर्स so, का फॉर्मूला क्या एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू की वैल्यू अब हमें पता कि फॉर एयर के इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन एस टू नाइन जो कि हमने थ्री पोर्शन में देख लिया था तो सारी वैल्यू प्लेस करो के की जगह डाल दो नाइन इंटू टेन एस टू नाइन क्यू वन डाल दो टू इंटू टेन एस टू माइनस सेवन थ्री टेन टू माइनस सेवन बाय आर स्क्वायर मतलब थर्टी इंटू टेन एस टू माइनस टू का होल स्क्वायर रेडी चलो तो इसको आपको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री न्यूटन दिस विल बी योर आंसर रेडी चलो ये क्या किया थर्टी सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है ओके नाउ न्यूमेरिकल नंबर टू द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज पॉइंट फोर माइक्रोकुलम तो ये छोटा स्पीयर है इसका चार्ज ले लेते क्यू वन है पॉइंट फोर माइक्रोकुलम अब माइक्रोकुलम को भी हम कुलम में कन्वर्ट करेंगे पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स कुलम ठीक है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज दूसरा एक स्मॉल चार्ज है जिसका स्फीयर uh, है उसका चार्ज कितना दिया है माइनस पॉइंट एट माइक्रोकुलम दे आर प्लेस इन एयर और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है पॉइंट टू न्यूटन तो फाइंड क्या करना है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रेडी चलो <coughs> मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वाला जो स्फीयर है ना वो इस पे फोर्स लगा रहा है कितना लगा रहा है इतना लगा रहा है, तो सेम होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर रेडी और पूरा सिस्टम एयर में है तो एयर में नाइन के वैल्यू क्या हो जाती है नाइन इंटू टेन एस टू नाइन सो so, के की वैल्यू डाल देंगे नाइन इंटू टेन एस टू नाइन और क्यू वन क्यू वन हो जाएगा हमारा पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स और क्यू टू क्या हो जाएगा पॉइंट एट इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स अब देखो माइनस नहीं लिख रहे हैं जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने बहुत सारे मेरे न्यूमेरिकल्स में देखा होगा कि मैं माइनस नहीं लिखता वाई बिकॉज माइनस जो है वो उसका नेचर या फिर उसका डिरेक्शन डिनोट करता है है ना यहाँ पे ये सिर्फ इतना डिनोट करता है कि पॉइंट एट माइक्रो कूलम है बट वो नेगेटिव रिचार्ज है तो इसका यूज़ क्या होता है इसका यूज़ तब करेंगे जब अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि ये जो फोर्स है फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है तो यहाँ पे हो जाएगा एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा एक तो ये जो है इसका यूज़ फोर्स का नेचर जानने के लिए यूज होता है किसका ये नेगेटिव का और नेगेटिव का यूज कहां होता है तो मान लो कि भाई हम अभी ये फाइंड कर रहे हैं क्या कि पहले पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है अब पहले स्पीयर पे फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है दूसरा कैसा लगा रहा है अट्रैक्टिव तो अगर ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो कौन सी डिरेक्शन में लगाएगा ये डिरेक्शन में लगाएगा सो so, इस माइनस क्वांटिटी का यूज़ सिर्फ फोर्स का नेचर जानने के लिए होता है और फोर्स के नेचर से हम फोर्स की डिरक्शन फाइंड कर सकते हैं बस और कुछ नहीं इसका यूज़ अगर डिरेक्शन हमें फाइंड करने के लिए बोला है तो होगा इसके लिए क्योंकि इसी से पता चलेगा भी अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है अट्रैक्टिव है इसीलिए खींचेगा अगर रिपल्सिव होता तो यहाँ पे फोर्स लगता बट न्यूमेरिकल में हम बेसिकली क्या करते हैं हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो वैल्यूज फाइंड करते हैं तब माइनस नहीं लिखना है ना कि ये न्यूमेरिकल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिसमें माइनस मैंने नहीं लिखा है अगर मैंने वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा होगा आपने सेल्फ नोट्स बनाई होगी तो उसमें आया होगा कि माइनस का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ओनली द वैल्यूज़ ठीक है तो के की वैल्यू डाल दी क्यू की वैल्यू डाल दी क्यू की वैल्यू डाल दी और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर Ready? चलो तो फोर्स कितना है फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू इज गिवन न्यूटन तो इसका यूज करके फिर जब आप आर स्क्वेर को सॉल्व करोगे और उसका अंडर रूट निकाल के आर लाओगे तो आर आपका आएगा वन पॉइंट फोर फोर इंटू टेन टू माइनस टू मीटर ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा अच्छा ये क्वेश्चन में बी पार्ट भी है वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर डू टू फर्स्ट दूसरे स्फीयर पे पहला वाला कौन सा फोर्स लगाएगा तो दूसरे स्फीयर में पहला वाला जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा तो so सेम हमने प्रूव किया था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसा एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्स इस पे लगता है उतना ही फोर्स इस पर भी लगाएगा सो so पार्ट बी का आंसर आएगा सेम फोर्स मतलब कितना पॉइंट टू न्यूटन ही वो वहां पे लगाएगा ठीक है चलो तो इसका जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज के उसकी भी मैं एक नोट सेंड कर दूंगा अच्छे से प्रिंटेड तो उसमें से आप उसको लिख सकते हैं आइडिया इसमें से ले लेना आप ठीक है इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन थैंक यू वेरी मच